हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 10th का मैथ का है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और वह नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका द्विघात समीकरण होगा। तो आइए हम लोग जाना द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो द्विघात यानी आपका चैप्टर नंबर हो जाएगा ये 4 है आपके सिलेबस के अनुसार। तो जानिए द्विघात क्या होता है, द्विघात समीकरण। हम जानते हैं कि दो घात वाले जो बहुपद होते हैं वो द्विघात बहुपद होते हैं, ठीक है। यानी x बराबर होता है आपका एक्स स्क्वायर धन एक्स धन अगर 2 हो, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि यह बहुपद आपका दो घात का है तो वह द्विघात बहुपद कहलाएगा। और इस स्थिति में जब पी एक्स समान अगर 0 हो जाए तो यह जो होगा आपका एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 2, ये जो बहुपद है ये बहुपद है, यह बहुपद ही क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये द्विघात समीकरण होते हैं तो ये द्विघात समीकरण के मूल होते हैं, यानी मूल कहते किसे हैं कि ऐसा समीकरण हमारे सामने हो कि ऐसा समीकरण समीकरण का चर जो उस मान को यानी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है तो वह उसका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। अगर यह द्विघात का है तो इसके 2 मूल होंगे, अगर यह 3 घात का है तो इसका 3 मूल होंगे, ठीक है ना। 4 घात का है तो 4 मूल होंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, अब इसके कौन कौन से मूल होंगे तो निकालना हो तो निकाल सकते हैं का एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स बराबर जाएगा प्लस माइनस 2, यानी यह 2 प्लस माइनस 2 इस द्विघात समीकरण का क्या कहलाएगा, मूल, क्योंकि इस मूल यह मूल जो है इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। ये आपके द्विघात समीकरण हुए, इसको जो है द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियाँ होती हैं, ठीक है। एक जो आपका सीधे सीधे द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं किसके द्वारा, पहला जो है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा आप कर सकते हैं क्या, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि। और तीसरा जो विधि होता है वो आपका साहचर्य विधि, साहचर्य विधि द्वारा। और ये चौथा जो होता है उमर खयाम विधि, उमर खयाम विधि, ठीक है। तो इससे हम किसी भी द्विघात समीकरण को मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे जैसे यह पाठ आएगा आपका, प्रश्नावली आएगा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहरहाल इस चैप्टर में केवल जो पहला प्रश्नावली है उसमें हमको यही जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, पहला काम। और दूसरा यह जांच करना है कि द्विघात समीकरण के मूल ये मूल हैं कि नहीं, ठीक। तो मूल ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो इसमें जैसे हर वीडियो में पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख किया जाता है, लेकिन इसमें आपका पहला कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का जो पहला प्रश्नावली होगा, प्रश्नावली आपका 4.1, कभी कभी 1 नंबर पूछता है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो है नहीं। तो आइए इसके सीधे प्रश्नावली पे देखा जाए, लेकिन नेक्स्ट में जो आपका प्रश्नावली होगा उसे सब इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखा जाए पहला आपका है, पहला यह जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला का पहला जांच कर रहा हूँ, देखिए पहला एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल दिया है आपका 2x-3, इसका प्रसार कीजिए, देखिए ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन
टू एक्स बराबर टू एक्स माइनस थ्री, ये टू एक्स से टू एक्स घट जाएगा, ये लेफ्ट में आएगा तो एक्स स्क्वायर धन चार हो जाएगा, तीन और एक चार बराबर जीरो, कितने घात का है द्विघात, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल दिया आपका माइनस टू और थ्री माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस सिक्स और प्लस टू एक्स, लेफ्ट में लाइए लेफ्ट में आएगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये देखिए ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो बोर्ड में एक नंबर पूछता है द्विघात समीकरण है या नहीं या मूल पूछता है, तो आसानी से ज्ञात कर लीजिए, जो इसका प्रसार कर लीजिए, जो दिया जिस उसको प्रसार में हल करके देखिए ये दो घात का है कि नहीं, अगर है तब कहिए द्विघात है और नहीं है तो कहिए द्विघात नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर उसका तीसरा देखिए, इसी का वन का आपका तीसरा, कह रहा है एक्स माइनस टू और उसके बाद दिया एक्स प्लस वन, इक्वल दिया आपका एक्स माइनस वन और दिया एक्स प्लस थ्री, तो पता करना है द्विघात है कि नहीं, तो क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें तो वन एक्स, इसका गुणा दो का इसमें तो माइनस टू एक्स, माइनस टू बराबर इसका गुणा इसमें एक्स स्क्वायर धन थ्री एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पूरी टर्म को लेफ्ट लाइए तो वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू और माइनस आपका थ्री एक्स प्लस हो जाएगा वन एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा थ्री और एक और एक दो में से पाँच जाए तो माइनस तीन एक्स और माइनस दो माइनस तीन माइनस पाँच इक्वल टू जीरो, और देख रहे हैं द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, अगर ये दो घात का रहता द्विघात रहता और नहीं है तो नहीं है। अब आइए इसके चौथे पार्ट को देखिए, चौथा पार्ट आपका है कह रहा है एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री और दिया टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन इक्वल दिया आपका एक्स एक्स धन फाइव, उसी तरह गुणा कीजिए इसका तो टू एक्स स्क्वायर इसका इसमें धन एक्स माइनस छ एक्स माइनस तीन बराबर एक्स स्क्वायर और धन पाँच एक्स, लेफ्ट लाइए पूरे को तो टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए घटा दीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यह आपको पाँच एक्स और छः पाँच ग्यारह और एक निकल जाएगा तो दस एक्स और माइनस तीन इक्वल टू जीरो, देखिए दो घात का है ना, तो लिखेंगे दो घात समीकरण है। ठीक है, ये चौथा हो गया, इसका पांचवा पार्ट देखिए, इसका पांचवा पार्ट है वन का पांचवा, कह रहा है कि एक्स टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन और यह आपका दिया एक्स माइनस थ्री इक्वल दिया आपका एक्स धन पाँच और दिया आपका एक्स माइनस वन, सर आप बताइए द्विघात है कि नहीं, तो द्विघात का जांच करो पहले इसको साफ करो, इसका बोला इसमें टू एक्स स्क्वायर, इसका बोला इसमें तो आपका छः एक्स, ठीक, और इसका बोला इसमें माइनस एक्स और प्लस थ्री इक्वल कितना जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका माइनस एक्स धन पाँच एक्स और माइनस पाँच, देखिएगा इसका इसमें इसका इसमें उसी तरह इसका इसमें इसका इसमें सेम उसी तरह उसका गुणा,
लेफ्ट में आएगा टू एस स्क्वायर से एस स्क्वायर जाएगा एस स्क्वायर होगा, और देखिए पाँच में से एक हो जाएगा चार हो जाएगा, अब सात सात चार ग्यारह हो जाएगा एक्स, और पाँच तीन आठ हो जाएगा इक्वल टू जीरो। लिखेंगे द्विघात, द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर वन का सिक्स देखिए, वन का सिक्स है आपका एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स स्क्वायर धन तीन एक्स धन वन बराबर आपका दिया है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर धन टू एक्स थ्री एक्स धन वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर धन चार माइनस चार एक्स। पूरे को लेफ्ट लाइए, ये आपका जीरो हो जाएगा चार तीन सात एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, या द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी तरह दो पार्ट है आप लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, उस समस्या का समाधान होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण निरूपित करना, केवल जो स्थितियाँ दिया है उसका द्विघात समीकरण निरूपित करके छोड़ देना, आगे इसका सार नहीं करना है, क्योंकि ऊपर प्रतिबंध दिया निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है केवल। अब आइए क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट देखिए, टू का पहला पार्ट है कि किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार आयत है, इस भूखंड का क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल दिया कितना 528 मीटर स्क्वायर, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई यानी लंबाई हो गया चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई हो गया एक्स इसके दोगुने से एक अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, तो समीकरण बना दीजिए, चलिए जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल दिया 528 बराबर लंबाई 2x प्लस 1 आपका चौड़ाई एक्स, तो 528 बराबर गुणा कर दिए 2x स्क्वायर धन एक्स, इसको राइट में लाइए तो 2x स्क्वायर धन एक्स माइनस 528 बराबर जीरो, द्विघात समीकरण हो गया। अब अगर पूछ रहे आपसे कि ये लंबाई चौड़ाई बताइए तो इसको हल कर लीजिए, 528 खंड 528 के गुणा कीजिए, और गुणा करने के बाद उसका दो खंड ऐसा क्या कीजिए इसके जोड़ें तो आपका वन हो जाएगा, घटाए तो वन हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर टू का दूसरा पार्ट, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें इसका समीकरण बनाना है, तो क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या को क्रमागत कहते हैं, जैसे 13 है 13 के बाद 14 आएगा, एक जोड़ते हैं तो अगली संख्या प्राप्त होता है, तो मान ले रहा है वो क्रमागत संख्या x है और x धन 1 है। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल देखिएगा, x गुणे x धन 1 इक्वल आपका कितना दिया है, ये आपका 306 दिया है, दोनों का गुणनफल कितना है 306, तो इसका गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर इसका इसमें वन एक्स बराबर कितना 306, इसको लेफ्ट बुलाइए एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 306 बराबर जीरो, देखिए समीकरण बन गया, जो कंडीशन दिया उस कंडीशन के आधार पर उसका समीकरण बन गया। अगला देखिए इसका तीसरा पार्ट कह रहा है, इसी का तीसरा पार्ट पर है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन यानी माँ है और रोहन है, ठीक है माँ और रोहन हो गया, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन का उम्र मान लग रहा है यक्ष, तो माँ का उम्र कितना जाएगा 26 यानी यक्ष धन 26, यक्ष धन 26। ठीक, उसकी आय उनकी आय का गुणनफल 360 हो रहा है, उनकी आय का गुणनफल
यानी माँ का और वहन के आय का गुणनफल थे यक्ष है 26 और गुणे यह अक्ष बराबर कितना रहा 360। ठीक, इसका बुला कर दिए तो यक्ष स्क्वायर धन 26 यक्ष और माइनस देखिएगा 36 बराबर 0 जाएगा। यही जो है दिए गए कथन के अनुसार आपका ये समीकरण होगा। अब पुनः मान लीजिए कि अगर आयु व्यय कर रहा है तो क्या करेंगे, 36 का गुणनखंड कीजिए जिसको जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाए 26,000 घटाए तो 26,000 इससे एक्स का मान कर लीजिए, जब एक्स का मान हो जाएगा उसमें 26 जोड़ दीजिएगा तो रोहन की माँ की आयु व्यय हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रश्नावली को स्टार्ट किया जाएगा। अभी आप ये जो पढ़े हैं पहला यानी 4.1 है, यानी आप इसको कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 4.2 हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ से जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।